हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, माय नेम इज ज़ारा। आज का जो मास्क है वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड है, क्योंकि एंटी एगिंग की प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को बहुत कम उम्र में हो जाती है। झुर्रियाँ एक ऐसी चीज़ है जो कि टेंशन से भी पड़ जाती हैं, साथ में अगर आपकी एज 40 से अबव हो जाती है तो फिर आपको बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ आना शुरू हो जाती हैं अगर आप अपनी स्किन की प्रॉपर केयरिंग ना करें। क्योंकि स्किन के लिए एंटी एगिंग के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव आते हैं, लाइक 1000 रुपये से ऊपर के ही आते हैं, और बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो 300 या 200 का प्रोडक्ट भी अफोर्ड नहीं कर सकते। सो आज मैं आपको जो मास्क बनाना सिखाऊंगी वो बहुत सुपर डुपर है, बहुत आसान है। इससे आपके स्किन की झुर्रियाँ भी कम होंगी और सर्दियों में ये आपकी बहुत हेल्प करेगा स्किन को टाइटन करने में, क्योंकि सर्दियों में ड्राई होने की वजह से आपके स्किन के ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फाइन लाइंस और झुर्रियां आ जाती हैं। सो इसको आप ट्रीट कर सकते हैं, रेगुलर यूज करेंगे मास्क को तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। नहीं है आपके पास टाइम, कम है, सर्दियों में बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि नहीं यूज कर पाते ठंडा मास्क या फिर रेमेडी वगैरह, क्योंकि सर्दियों में तो मुंह धोना भी बहुत ज्यादा मुश्किल का काम होता है, स्पेशली मेरे लिए तो मुझे बहुत सर्दी लगती है। सो गाइस, मैं आपको बता रही हूं कि आप इसे हफ्ते में 2 से 3 बार भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो रेगुलर यूज कर सकते हैं। इसके अंदर ऐसा कोई इंग्रेडिएंट नहीं जो आपको नुकसान पहुंचाए। होम रेमेडीज आपके स्किन के लिए सुपर डुपर होती हैं अगर आप उनका बकायदगी से इस्तेमाल करें। सो गाइस, आइए जानते हैं कि ये मास्क कैसे बनाना है और इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। यहाँ पर जो मेरे पास फर्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है जिंजर, यानी कि अदरक। अदरक के अंदर बहुत ज्यादा तादाद में एंटीऑक्सीडेंट होता है, आपकी ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, साथ में हेल्प करता है एंटीऑक्सीडेंट आपके स्किन की एंटी एगिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। झुर्रियां खत्म करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी अदरक। सो अदरक को मैंने फाइन क्रश कर लिया है, मैंने इसका पेस्ट नहीं बनाया ना मैंने इसका जूस निकाला है, जस्ट इसको मैंने क्रश किया है। तो 1 टेबल स्पून मैंने अदरक लिया है क्रश्ड। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास मौजूद है ऑलिव ऑयल। अगर आपको ऑलिव ऑयल सूट करता है, आपकी स्किन सेंसिटिव है, तो आप 1 चम्मच ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हैं। नहीं तो आपके स्किन के ऊपर कोकोनट ऑयल सूट करता है तो कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हैं। आलमंड ऑयल भी आप यूज कर सकते हैं जो आपके स्किन के लिए सूटेबल हो। सो 1 चम्मच मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ कोकोनट ऑयल। अपने स्किन के हिसाब से आप अपनी स्किन के हिसाब से यूज कर सकते हैं। थर्ड इंग्रेडिएंट है हमारे पास सेसमी सीड ऑयल। 2 से 3 ड्रॉप्स डालने हैं आपने, ज्यादा इसको नहीं डालना है। सो उसके बाद आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। एक एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट बता रही हूँ जो कि नंबर 4 पे है और सबके घर पे अवेलेबल होता है, लेकिन उसके अंदर आपने क्या करना है कि आपने लेना है कोकोआ फ्लेवर वाला वैसिलीन। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, ये कोकोआ फ्लेवर का है, कोकोआ बटर कहते हैं शायद, हाँ कोकोआ बटर। सो इसे आपने लेना है। मैं इसको बिल्कुल मटर के दाने के बराबर यूज कर रही हूँ, क्योंकि सर्दियों में इसका यूज बहुत अच्छा होता है, ये बहुत हेल्प करता है आपकी झुर्रियों को और छाइयों को खत्म करने के लिए। सो अब मैं इसको 1 मटर के दाने के बराबर ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी सिर्फ एक वक्त के लिए इसे बनाया है। 2 दिन तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रेगुलर बनाएं तो ज्यादा बेस्ट है। अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद आपने जस्ट चेहरा धोना है पानी से, और ड्राई करने के बाद इस मास्क को अप्लाई करना है। बहुत सिंपल है अप्लाई करने का तरीका, हाथ से भी कर सकते हैं, ब्रश की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन हाथ से देसी तरीका है तो सिंपल है। सो अच्छी तरह से कर लीजिए और हल्के हल्के हाथों से आपने सर्कुलर मोशन में मसाज करनी है, हल्के हल्के हाथों से, ताकि जो आपके स्किन की डेड लेयर होती है वो रिमूव हो जाएंगी, साथ में आपके स्किन के अंदर एक ग्लो आएगी, पोर्सेस क्लीन हो जाएंगे। अगर आपके पोर्सेस में कोई चिकनाई है या डस्ट पॉल्यूशन फंस गई है या फिर आपके स्किन के अंदर ब्लैक हेड्स वगैरह हैं तो वो भी रिमूव हो जाएंगे। सो गाइस, आपने इसे अच्छी तरीके से 2 से 3 मिनट्स तक अच्छी से मसाज करनी है, उसके बाद 10 मिनट्स के लिए छोड़ देना है, और उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, अपने फेस को वॉश कर लेना है। मैं आपको हैंड पे करके दिखा रही हूँ। अब मैं आपको हैंड वॉश करके दिखाती हूँ इसके रिजल्ट 10 मिनट्स के बाद, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मुझे कितना अच्छा रिजल्ट मिला है और कितना ग्लो आया है। सो गाइस देख लीजिए, मैंने हैंड वॉश कर लिया है, अब मैंने ड्राई भी कर लिया है और मेरी स्किन बहुत सुपर ग्लोइंग लग रही है, शाइन आपको नजर आ रही होगी फिंगर्स पे। दूसरा हैंड पे मैं आपको दिखा देती हूँ जिसपे मैंने अप्लाई नहीं किया था, तो उसकी फिंगर भी आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा ग्लो आई है। सर्दियों में ये ग्लो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि ये आपके स्किन को मॉइस्चराइज रखती है और ये जाहिर करती है आपके चेहरे के ऊपर कि आपका जो चेहरा है वो बिल्कुल फ्रेश है, ना रूखा है ना सूखा है, बिल्कुल फ्रेश है। सो गाइस, बहुत अच्छा मास्क है, अप्लाई जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अब मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन का जरूर प्रेस कीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।